है, और तबूर वो जगह है जहाँ पर जीसस दुआ के लिए आए थे, और आज मैं उसी की ज़ियारत आपको भी करवाने वाला हूँ। आइएगा, सब मिलकर देखते हैं कि किस तरह खुदा यसू मसीह ने यहाँ पर आकर के दुआ की और अपने शागिर्दों के साथ ठहरे, और उनका नूरानी चेहरा जो खुदावंद के जलाल से ममूर हुआ और उन्होंने देखा, और फिर वो खुदावंद के नाम को जलाल से उतरे। आइएगा देखते हैं ये माउंट तबूर का वो चर्च जो बनाया गया है, और उसे देखते हैं सब मिलकर, और फिर हम आपको वो जज़रीएल वैली भी दिखाएंगे जहाँ से ये पहाड़ ऊंचा है। ये टोम की तरह गोल बना हुआ है, और इस पहाड़ के ऊपर फिर आकर के ये चर्च बना हुआ है, जिसके अब ज़ियारत के लिए खोल दिया गया है। चौथी सदी में इसे ज़ियारत के लिए खोला गया था, और अब तक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पिलग्रिम आते हैं ज़ियारत के लिए, और इसे देख कर जाते हैं। आइएगा सब मिलकर साथ साथ ये चर्च भी देखते हैं और इस पहाड़ को भी देखते हैं। ये माउंट तबूर का पहाड़ है इसराइल में, और ये गलील के पास है, गनीजरत की झील से तकरीबन ये 11 किलोमीटर दूर है, और इसी तरह ये नाजरत से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह आकर के दुआ की और उनका नूरानी चेहरा खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ और वो बदल गया। ट्रांसफिगरेशन जो यीशु मसीह की हुई यहाँ पर वो यही है, और इसे अब एक ज़ियारत के तौर पर खोला गया है। आइए इसे देखते हैं।